अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नेविगेट। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो है वो है टॉप 3 बेस्ट कंफर्टेबल बाइक्स अंडर 150 सीसी कैटेगरी। 150 सीसी कैटेगरी से नीचे आपको कौन कौन से बेस्ट कंफर्टेबल बाइक्स मिल रहे हैं। इसमें 70 सीसी से लेकर आपको 125 सीसी तक जितने भी बाइक्स हैं जो बेस्ट कम्फर्टेबल हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और हम शुरू नंबर 3 से करेंगे, पहले नंबर 3, फिर नंबर 2, फिर नंबर 1। तो इस तरह आपको पता लग जाएगा कि नंबर 3 पे कौन सा बाइक है, नंबर 2 पे कौन सा बाइक है और नंबर 1 पे कौन सा बाइक है। सो गाइस, बिना वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, नंबर 3 पे मैंने जिस बाइक को रखा है वो है होंडा सिटी 125F। होंडा सिटी 125F को नंबर 3 पे रखने की रीज़न क्या है, तो इसमें हम सबसे पहले कम्फर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। तो कम्फर्ट में दो चीज़ें बाइक के अंदर बहुत ज़बरदस्त हैं, जिसमें पहली चीज़ तो इसकी सीट है। होंडा सिटी 125F की जो आपको सीट मिल रही है ये बहुत कंफर्टेबल और ज़बरदस्त सीट है। सीटिंग पोस्चर के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो इसके साथ बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत अच्छा बन जाता है। आप बाइक के अंदर स्ट्रेट बैठे हुए होते हैं जिसकी वजह से बाइक के अंदर आपको थकान फील नहीं होती। जब आप ज़्यादा देर तक बाइक को चला लें, मोस्टली जिनका 50 से 60 किलोमीटर तक का आने जाने का सफ़र होता है, तो उन लोगों को सही पता लगता है। और सिटी 125F में जब वो बैठे हुए होते हैं तो उनको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। उसकी वो रीज़न यही है कि इसका सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ इसकी सीट भी बहुत अच्छी है। अब सीट की बात तो हो गई, दूसरी बात कर लेते हैं जो कि है सस्पेंशन की। होंडा सिटी 125F का जो सस्पेंशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर मिल रहे हैं और बैक पे सस्पेंशन जो है वो 5-स्टेप एडजस्टेबल आपको मिल रहा है। तो ये दोनों मिला के बाइक को झटका प्रूफ बना देते हैं ऑलमोस्ट। जब आप ज़रा ज़्यादा खड्डे वाली जगह से गुजरते हैं तो आपको इतना नहीं पता लगता इस बाइक के अंदर, क्योंकि इस बाइक के अंदर बड़े शॉक्स लगाए गए हैं, इसी वजह से बाइक जो है वो खड्डों में कंफर्टेबल रहता है। तो शॉक्स भी बाइक के अच्छे हैं, बाइक की सीट भी अच्छी है। जिस जगह पे ये बाइक मार खाता है वो है इसका इंजन। इस बाइक का जो आपको इंजन मिल रहा है ये है ओवरहेड वाल्व टेक्नोलॉजी का इंजन। 4-स्ट्रोक सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इस बाइक का इंजन है, जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है और टॉप ऑफ द लाइन पर नहीं आ सकता। वरना अगर हम इसके कंफर्ट की बात करें तो इस बाइक के अंदर सस्पेंशन अच्छा है, सीट अच्छी है। अगर इंजन भी अच्छा होता, इंजन भी मतलब वाइब्रेशन लेस होता, तो बाइक टॉप पे आ सकता था। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इंजन ओवरहेड वाल्व इंजन है, तो ओवरहेड वाल्व का आप सबको पता ही है कि ओवरहेड वाल्व इंजन जो होता है वो पावर आपको ज़्यादा देता है, पावर के साथ साथ आपको वाइब्रेशंस भी फिर दबा के देता है। तो यही सीन आपको होंडा सिटी 125F के साथ मिलता है। अब होंडा सिटी 125F के अंदर जो अनकंफर्टेबिलिटी आपको फील होती है वो सिर्फ इंजन की वजह से होती है, क्योंकि ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। पाँव में आपको खासतौर पर ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होती हैं, हैंडल पे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं होती। इसके अगर जो इसका इंजन है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी का होता विद बैलेंसर शाफ्ट, तो पॉसिबल था कि ये बाइक टॉप पे आया था। मगर इसका इंजन ओवरहेड वाल्व है, जिसकी वजह से हमें इसको कम्फर्ट लिस्ट में नंबर 3 पर रखना पड़ा। तो नंबर 3 पे रखने की इसकी रीज़न यही थी कि इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है वो ओवरहेड वाल्व है, जो कि वाइब्रेशन लेस इंजन नहीं होता, काफ़ी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है इसका इंजन। तो नंबर 3 पे तो था होंडा सिटी 125F। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे मैंने जिस बाइक को रखा है वो है सुजुकी GD110S। सुजुकी GD110S को नंबर 2 पे रखने की रीज़न क्या है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस बाइक की सीट के साथ। तो सुजुकी GD110S की जो आपको सीट मिल रही है ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी है, लेकिन कंफर्टेबल है और सॉफ्ट सीट है। और अगर आप इसकी सीट को कंपेयर करेंगे CB125F की सीट के साथ, तो CB125F की सीट के कंपैरिजन में आपको सुजुकी GD110S की सीट बहुत कंफर्टेबल मिल जाती है। इस बहुत अच्छा फॉर्म यूज़ किया गया है इसके सीट के अंदर, और उसके साथ साथ काफ़ी अच्छा सीटिंग पोस्चर भी है इस बाइक का। इस बाइक को जब आप 40-50 किलोमीटर इस बाइक के ऊपर करते हैं जब आप, तो आप काफ़ी कंफर्टेबली अपना सफ़र तय कर लेते हैं। उसकी 3 रीजंस हैं। पहली रीज़न तो जैसे मैंने आपको बताया सीट, दूसरी रीज़न है शॉक्स। इस बाइक के अंदर भी आपको फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फॉक्स मिल रहे हैं और बैक पे 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक्स मिल रहे हैं। अगर आप इसके शॉक्स को कंपेयर करेंगे CB125F के शॉक्स के साथ तो ऑलमोस्ट सेम ही है साइज़ दोनों का। तो शॉक्स इस बाइक के भी अच्छे हैं, CB125F के भी अच्छे हैं। इस बाइक के अंदर भी आपको झटके उतने ही फील होंगे जितने आपको CB125F के अंदर फील होंगे। और उसके अलावा जो मेन चीज़ पे ये जो एज ले जाता है बाइक, वो है इस बाइक का इंजन।
सुजुकी जेडी 110 का जो आपको इंजन मिल रहा है यह है 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस काफ़ी कम प्रोड्यूस करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको फ़र्क बताया है ओवरहेड कैमशाफ्ट में और ओवरहेड वाल्व में, तो वही फ़र्क है कि ओवरहेड कैमशाफ्ट जो है वो वाइब्रेशन लेस इंजन होता है और पावर भी आपको लेस देता है, मगर ओवरहेड वाल्व इंजन जो होता है वो आपको पावर भी अच्छी देता है और पावर के साथ साथ आपको वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छी करके देता है। तो इस बाइक के अंदर ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको बैलेंसर भी इंस्टॉल्ड मिलता है। एक तो ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी, ऊपर से बैलेंसर शाफ्ट, तो बाइक ऑलमोस्ट सुन हो जाता है इस तरह। अब मेरा बेसिकली सुन कहने का मतलब यही है कि जब आप इस बाइक को 80 से 90 की स्पीड में मेंटेन रखते हैं तो बाइक पे आप काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। इस तरह नहीं होता कि जलजला आ गया हो, झटके लग रहे हो, जिस तरह आप होंडा 125 के अंदर फील करते हैं 80 90 की स्पीड के अंदर, उस तरह आप इस बाइक के अंदर फील नहीं करते। उसकी रीज़न यही है कि शॉक्स अच्छे हैं, सीट अच्छी है, उसके साथ साथ इंजन जो है वो भी वाइब्रेशन लेस है। तो यही रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बाइक जो है इसको नंबर 2 पे रखा है। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि आपने इस बाइक को नंबर 1 पे आपको रखना चाहिए था, नंबर 2 पे क्यों रखा है? तो नंबर 1 पे मैंने जिस बाइक को रखा है उसकी भी रीज़न दूंगा आपको। तो नंबर 1 पे मैंने जिस बाइक को रखा है वो है यामाहा वाबी 125Z एंड वाबीजी DX। वाबीजी और वाबीजी DX के अंदर अगर हम फ़र्क की बात करें तो सिर्फ डिस्प्ले कोरोलर इसका है। अब हम आते हैं मेन चीज़ की तरफ, तो ये बाइक GD110 से ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे है? इस बाइक के अंदर भी आपको जो इंजन मिल रहा है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट विद बैलेंसर शाफ्ट आपको इंजन मिल रहा है। तो जितने कम वाइब्रेशंस आपको GD110 के अंदर मिलती हैं उतनी ही कम वाइब्रेशंस आपको YBZ के अंदर भी मिलेंगी। तो आप यही समझें कि ऑलमोस्ट इक्वालिटी है इंजन के अंदर। अच्छा, इंजन के अंदर तो इक्वालिटी आ गई, अब आते हैं ऊपर थोड़ा सा शॉक्स की बात कर लेते हैं। तो YBZ के जो शॉक्स हैं वो भी फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं, बैक पे 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक्स हैं, तो शॉक्स में भी इक्वालिटी ऑलमोस्ट आ जाती है। लेकिन इस बाइक को जो एज मिल जाता है बेसिकली वो इसकी सीट की वजह से इसको एज मिल जाता है। यामाहा वाबी 125Z की जो सीट है, एक तो वो थोड़ी सी लंबी है तो राइडर और पिलियन दोनों कंफर्टेबली बैठते हैं। उसके साथ साथ जो इस बाइक की सीट है वो कंफर्टेबल भी ज़्यादा है बनिस्बत GD110 की सीट के। अगर आप पहले GD110 की सीट पर बैठें उसके बाद YBZ की सीट पर बैठें तो आपको वाज़े फ़र्क पता लगेगा और आप खुद कहेंगे कि वाकई YBZ की जो सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सीट आपको YBZ की मिल जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मैंने इसका रिव्यू किया है YBZ का, तो मैंने हमेशा कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट सीट्स इन 125cc कैटेगरी इस बाइक की है। तो यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इस बाइक को नंबर 1 पे रखा है। बाकी आपको ऑलमोस्ट इक्वालिटी इंजन के अंदर और शॉक्स के अंदर तो मिल रही है, लेकिन YBZ के अंदर आपको सीट वाला एज मिल जाता है जिसकी वजह से इसको नंबर 1 पे रखा गया है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैंने को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।